हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल अब तक हेल्दी पर। दोस्तों, सफेद बालों का होना एक उम्र के साथ बहुत ही ज्यादा नेचुरल प्रोसेस है और हमेशा से ही दोस्तों हम उम्र के साथ कहीं ना कहीं सफेद बालों को रिलेट करते आए हैं और एक तरह से हम किसी की भी उम्र का अंदाजा लगाते हैं सफेद बालों को लेकर। लेकिन दोस्तों सोच के देखिए, अगर यही सफेद बाल उम्र से पहले हमारे सर में आने लगे तो दोस्तों कहीं ना कहीं ये किसी ना किसी प्रॉब्लम की निशानी जरूर हो सकती है। और इसी प्रॉब्लम की वजह से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आज के टाइम में बहुत ज्यादा एम्बेरेस फील करते हैं, इसके साथ साथ बहुत ही ज्यादा सोशली इम्पैक्ट भी है। और इसी सोशल एम्बेरेसमेंट से बचने के लिए काफी सारे लोग ऐसे हैं जो अपने बालों को डाई करने लगते हैं, केमिकल्स लगाने लगते हैं, इसके अलावा और भी काफी सारी चीजें अपनाने लगते हैं। और दोस्तों इन चीजों के साइड इफेक्ट इतने होते हैं कि थोड़े से सफेद बालों के बदले पूरा का पूरा सर ही एक तरह से सफेद होने लगता है, जिसकी वजह से एम्बेरेसमेंट के लेवल्स और भी ज्यादा बढ़ने लगते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपके लिए तीन ऐसे नुस्खे लेकर आया हूँ जिनमें से एक को भी अगर आप ढंग से फॉलो करेंगे तो आप डेफिनेटली अपने सफेद बालों को फिर से काला कर पाएंगे। और दोस्तों ये बिल्कुल नेचुरल तरीके हैं, तो डेफिनेटली मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर ताज, आप देख रहे हैं अपना खुद का चैनल अब तक हेल्दी। दोस्तों बेसिकली हमारे बालों में जो कलर होता है ये एक पिगमेंट की वजह से आता है, जिसे मेलेनिन नाम की, और उसमें भी हमारे बालों का ज्यादा से ज्यादा डार्क कलर होना वो इसी पिगमेंट के एक टाइप से आता है जिसका नाम यू मेलेनिन है। तो दोस्तों एक उम्र के बाद इस पिगमेंट की जो प्रोडक्शन है वो अपने आप ही कम होने लगती है। लेकिन अगर उम्र से पहले दोस्तों इसकी प्रोडक्शन कम होने लगती है, इसका मतलब कोई ना कोई रीजन जरूर है और उसी की वजह से हमारे बाल जो है वो वक्त से पहले सफेद होने लगते हैं, जिसको बेसिकली प्री मेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर बोला जाता है। लेकिन हर बार की तरह मैं आपकी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन लेकर ही आपके सामने आया हूँ और इसीलिए मैं कुछ ऐसे नुस्खे आपको बताने जा रहा हूँ जिसकी वजह से आपके बाल फिर से काले हो सकते हैं। जिसमें सबसे पहला नुस्खा है दोस्तों कि आपको कुछ कड़ी पत्ते लेकर आने हैं, इनको दोस्तों करी लीव्स भी बोलते हैं और आपको ये मार्केट में बड़ी आसानी से मिल जाएंगे। आपको पूरा कटोरी भरकर दोस्तों कड़ी पत्ता लेना है, फिर उनको सुखाने के बाद उनका पाउडर बना लेना है। दोस्तों जब उनका पाउडर बन जाए तो आपको एक कटोरी के अंदर 3 चम्मच दही लेनी है, उसके बाद उसके अंदर जो है वो कड़ी पत्तों का पाउडर मिला लेना है। दोस्तों अच्छी तरह मिलाने के बाद आपका एक पेस्ट बन जाएगा और उस पेस्ट को दोस्तों आपको अपने बालों में अच्छी तरह लगा लेना है। और दोस्तों इस तरह लगाना है कि आपके बालों की कोई भी जड़ बाकी ना रह जाए। इसके बाद दोस्तों आपको 20 से 25 मिनट बाद इस चीज को धो लेना है और इसी तरह से दोस्तों 1 हफ्ते में आपको 2 बार ये चीज रिपीट करनी है और 3 महीने के अंदर दोस्तों डेफिनेटली आपको फर्क देखने को मिलेगा। इसके बाद दोस्तों दूसरा नुस्खा ये है कि आपको बाजार से आंवला का और शिकाकाई का पाउडर लेकर आना है। दोस्तों आपको दोनों के ही 2-2 चम्मच पाउडर आपको एक कटोरी में लेने हैं और इसके बाद इसमें 2 चम्मच दही भी ऐड करनी है। और दोस्तों अपने बालों को काला करने के साथ साथ आप उन्हें स्ट्रॉन्ग और शाइनी भी करना चाहते हैं तो इसमें आप 1 चम्मच शहद और 1 चम्मच एलोवेरा का जेल भी ऐड कर लीजिए। अच्छे से मिलाने के बाद दोस्तों पेस्ट बनाइए, फिर उस पेस्ट को ही अपने बालों में अच्छे से लगाइए। दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया कि आपको अपनी जड़ों का खास ख्याल रखना है, इसके बाद दोस्तों 20 से 25 मिनट बाद इस चीज को धो लीजिए और इस चीज को आपको हफ्ते में सिर्फ 1 ही बार रिपीट करना है और डेफिनेटली दोस्तों आप 2 से 3 महीने में फर्क जरूर देखेंगे। इसके बाद दोस्तों लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप बाजार से भृंगराज ऑयल लेकर आइए, इसके साथ साथ दोस्तों आप नारियल का भी तेल लेकर आइए और दोनों के ही 2-2 चम्मच एक कटोरी में इकट्ठा करिए और अच्छे से मिलाने के बाद दोस्तों अपने बालों की अच्छे से चंपी करिए। दोस्तों हल्के हाथों से अपने बालों की मसाज इस तरह करिए कि आपके बालों की जड़ें जो हैं वो अच्छी तरह तेल से तर हो जाएं। और दोस्तों इसी तरह से अपने बालों में रोज मसाज करिए इस तेल से और 1 महीने बाद डेफिनेटली आपको फर्क जरूर देखने को मिलेगा। और दोस्तों आप इस चीज का पेस्ट भी बना सकते हैं, आप दोनों ही तेलों के 2-2 चम्मच तेल एक कटोरी में इकट्ठा करें, इसके साथ इसमें 2 चम्मच दही भी ऐड करें, उसके बाद उसका पेस्ट बनाएं और अपने बालों में अच्छी तरह लगाएं जड़ों को शामिल करते हुए। और दोस्तों 20 से 25 मिनट बाद इस चीज को धो लेना है और इस चीज को 1 हफ्ते में 2 बार आपको रिपीट करना है, वही दोस्तों आपको 2 से 3 महीने बाद फर्क देखने को डेफिनेटली मिलेगा और इसी तरह से दोस्तों आप अपने बालों को फिर से काला कर सकते हैं। तो इनमें से कोई भी आप एक नुस्खा लीजिए और उसको डेफिनेटली तरीके से फॉलो करिए। और दोस्तों इनमें जो भी आप प्रोसीजर फॉलो करें उसके साथ साथ आपको अपनी डाइट का भी खास ख्याल रखना पड़ेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कुछ न्यूट्रिएंट्स ऐसे हैं, मिनरल्स विटामिन ऐसे हैं जिनकी कमी की वजह से बाल आपके सफेद होने लगते हैं, तो दोस्तों उनका आपको खास ख्याल रखना है। और मेरे चैनल पर ऐसी काफी सारी वीडियोस हैं जो आपको डेफिनेटली ऐसे मिनरल्स विटामिन्स बताएंगे जिनकी वजह से आपकी बॉडी हमेशा फिट रहेगी। लास्ट में दोस्तों यही कहूंगा कि मैं आपके लिए सिर्फ सॉल्यूशंस लेकर आता हूं लेकिन उनको फॉलो करना आपके ऊपर है।
इसलिए अपनी सेहत का ख्याल रखें। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाकी मैं जल्द ही आपके सामने कोई और सॉल्यूशन लेकर आऊंगा, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। थैंक यू।